हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सोलर मोबाइल चार्जर। इसके अंदर ये सारे पोर्ट्स आते हैं, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और ये सीखेंगे कि इस सोलर रैम को अपने मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। क्योंकि ये जो सोलर चार्जर आता है मार्केट में, इसके अंदर अपने जो न्यू मोबाइल फोन्स हैं उनके साथ उनके जैसा यूएसबी केबल नहीं आती है इसके अंदर, तो वो चार्ज कैसे करें मैं आपको बताऊंगा अपनी ओल्ड केबल के थ्रू कि कैसे इसको जोड़ा जाए और कैसे इसको मोबाइल चार्जर। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए ये जो इसके अंदर पोर्ट्स आते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ, ये सारे ओल्ड फोन्स के आते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सब ओल्ड फोन्स हैं, सब ओल्ड फोन वाले आते हैं। ये देखिए इसमें कोई भी अपना फोन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखिए सारे ओल्ड फोन के उससे आते हैं। तो इसको हम अपने फोन के साथ कैसे कनेक्ट करा जाए कि अपने फोन इससे चार्ज करा जा सके, क्योंकि ये काफी अच्छा चार्जर है। बैकअप बैटरी बैकअप भी इसका काफी अच्छा है और सोलर से चार्ज हो जाता है ये। तो इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे पहले, तो फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने फोन के साथ। तो ये देखिए इस तरीके का सोलर चार्जर आता है। जब भी आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के पास रखेंगे तो इसके अंदर ये लाइट जल जाती है, तो इसको आप क्या कहते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अब चार्जिंग पॉइंट पे है। बट ये थोड़ी देर बाद, एक देर दो मिनट बाद ये लाइट जलती है इसकी और तब ये चार्जिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने डायरेक्ट सनलाइट के आगे लगाया और क्या कहते हैं ये एकदम चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर थोड़े फीचर्स हैं। देखिए ये इसका इनपुट है, इसके अंदर इसको चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये पीछे बैटरीज लगी होती हैं। ये बैटरीज हैं इसकी और काफी अच्छी बैटरीज लगी होती हैं और काफी अच्छा डिजाइन है इसका। अगर ये गिर भी जाता है एक बार हाथ से तो भी टूटेगा नहीं एकदम, ठीक है ना। और ये इस तरीके से इसमें बैटरी आती है पीछे ही, तो ये चार्ज होता है। इसके अंदर कोई अलग से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, पावर बैंक का पूरा काम करता है ये एक तरह से। तो यहाँ से इसके चार्जिंग पॉइंट है, इसको आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके का आपको चार्जर चाहिए होगा इसके लिए, जो कि इसके साथ नहीं आता है, तो वो आप मार्केट से डाटा केबल ले सकते हैं और अपने नॉर्मली फोन चार्जर से, यूएसबी वाले चार्जर से इसको कनेक्ट करके इसको आप चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे चार्ज होता है ये। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है उधर यूएसबी चार्जर से अपने नॉर्मली चार्जर जो होता है, क्योंकि ये यूएसबी केबल है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये यूएसबी चार्जर है, तो ये यूएसबी केबल है इसके साथ, इसको हम मैंने लगा देता हूँ अपने फोन के अंदर, फोन चार्जर के अंदर। तो इसको फिर हम इससे चार्ज करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए फिर इसका ये इनपुट पॉइंट है, इस तरीके से आपको इसमें लगा देना है। ये लगाने के बाद देखिए जैसे ये लाइट जल गई है, ऐसे ही सोलर से जब ये चार्ज होगा इस तरीके की लाइट जल जाएगी, तो उसका मतलब है अभी ये चार्जिंग पॉइंट पे है, अब ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे चार्ज कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा चार्ज कर रखा है, ये ज़्यादा नहीं करा बट थोड़ा सा चार्ज कर रखा है। वैसे आप मार्केट से जब एक बार लेके आए तो पहले एक बार ही अपने फोन से इसको चार्ज कर लीजिएगा डायरेक्ट सनलाइट से। ये सिर्फ बैटरी बैकअप दे सकता है, बट एकदम आप सोचें कि इसको मैं सोलर से ही चार्ज करूं, बट आपको शुरुआत में पहले अपने फोन से, इस फोन चार्जर से इसको चार्ज कर लीजिएगा, उसके बाद ये सोलर आगे काम करता रहेगा। तो इस तरीके से अब मैं आगे समझाता हूं आपको कि इसको फोन से कैसे कनेक्ट करें। तो आप नॉर्मली आपके पास जैसे फोन है आपका एंड्रॉयड, ठीक है ना, उसके अंदर ये वाला चार्जर लगता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का चार्ज लगता है। और जो नए फोन आ रहे हैं उसके अंदर दूसरे तरीके का चार्जर लगता है, मैं वो भी दिखा, उसके अंदर इस तरीके की ये चार्जर लगता है, ये देख सकते हैं आप। तो आजकल यही फोन आ रहे हैं एंड्रॉयड वाले, तो देता हूँ अभी नॉर्मली मैं इसको, अभी ये वाले चार्जर आते हैं इसके साथ इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अभी इसको रख देता हूँ, मैं नॉर्मली चार्जर के साथ इसको कनेक्ट करके देखूंगा, क्योंकि मेरे पास ये वाली अभी ओल्ड केबल कोई पड़ी नहीं है, तो इसके लिए इसको मैं रख देता हूँ। तो अभी मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरी पुरानी केबल पड़ी हुई थी मेरे पास, इसके थोड़ा सा ये इसमें यूएसबी में कोई प्रॉब्लम है तो ये चल नहीं पा रही थी। तो मैं इसको काट भी सकता हूँ, मतलब इसको मेरे लिए वेस्ट पड़ी थी ये, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ इसके अंदर। आप भी इस तरीके की कोई केबल यूज़ करिएगा, अगर नई केबल भी यूज़ करनी है तो सस्ती वाली यूज़ करिएगा, जो कि आपको इतना दुख ना हो कि भाई मैंने अपनी केबल काट दी है नई की नई। तो मैं अब इसको देखिए कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, जोड़ के दिखाता हूँ कि इसके साथ कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि ये देखिए इसके अंदर एक केबल केबल आती है जिसके थ्रू आप इसमें आउटपुट ले सकते हैं, मतलब चार्ज कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से लगाना है, तो इस तरफ से बिल्कुल भी नहीं काटनी है केबल, आपको काटनी है केबल दूसरी साइड से। मैं इसको पूरा खोल देता हूँ,
देखिए, तो आपको इस साइड से काटनी है केबल, और इस साइड से ही इसमें ज्वाइंट करना है। अब मैं वो ज्वाइंट करना सिखाता हूँ, इसको काटता हूँ आपके सामने। तो चलिए इसको हम काटते हैं, पहले इस वाली को काटेंगे। जब भी आप काटें कोई भी चीज थोड़े सा दूर से काटिएगा, क्योंकि दोबारा अगर आपको वो जोड़नी पड़ जाए तो आप जोड़ सकें। तो मैंने इसको थोड़ा सा दूर से काटा है, आप थोड़ा सा और पास से भी काट सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा दूर से काटूंगा, क्योंकि इसमें जब ज्वाइंट करना है तो हमें ये वाला पॉइंट भी इसका चाहिए होगा, हमें दोनों पॉइंट चाहिए होंगे, ये वाला भी ये भी, दोनों हमें जोड़ने हैं इसके अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा दूर से काटूंगा, यहाँ से इसको काट देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो आप ये प्लास होता है, प्लास की मदद से इसको थोड़ा छील लेते हैं, मैं जल्दी से छील लेता हूँ इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर केवल दो ही तार निकले, क्योंकि ये चार्जिंग के लिए है, इसके अंदर कोई यूएसबी वाला सिस्टम नहीं होता, बट इसके अंदर ये चार तार निकले हैं, जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर देंगे कि हमें कौन सा तार इसमें जोड़ना है और कौन सा नहीं। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक इसके अंदर देखिए आप देख रहे होंगे रेड कलर का अलग तार है, और एक क्या कहते हैं ब्लैक कलर का अलग तार है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फ्लैश लाइट को ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर ये रेड कलर का तार है, इसके अंदर ब्लैक कलर का है, इसके अंदर भी एक रेड कलर का है, व्हाइट कलर का, ग्रीन कलर का और एक ब्लैक कलर का, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन दो तारों की बिल्कुल हमें जरूरत नहीं है, तो हमें इसको कुछ नहीं करना, इसको हमें सिंपली मैं इसको काट देता हूँ, क्योंकि हमें केवल चार्जिंग के लिए चाहिए, हमें कोई ऐसा कुछ करना नहीं है, तो हमें सिंपली इसको काट देना है, ठीक है। ये हमने काट दिया, अब ये दो तार हमारे पास रह गए हैं। अब ये दो तारों को आप देख भी पा रहे होंगे, सिंपली क्या करना है, ब्लैक वाले को ब्लैक में ही जोड़ना है और काले वाले को काले में। तो मैं अभी जोड़ लेता हूँ, मैंने ये छील लिए तार, आप इसको ब्लैक में जोड़ना है, ब्लैक वाले को ब्लैक में। इसमें करंट आता नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं हाथ नहीं लगाना चाहिए या कुछ है, इसके अंदर कोई ऐसा करंट वगैरह नहीं आता, तो आप इसको हाथ से आराम से कर सकते हैं इजिली, या आप निकाल के भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा डर लगता भी है तो। अब इसको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा, इसको अच्छी तरीके से टेपिंग, अलग अलग तार करके इसको टेपिंग कर देंगे, तो इसको टेप कर देंगे जल्दी से। ये पूरा टेप हो चुका है, अब ये रेडी टू मूव है, सॉरी अब ये तैयार है चलने के लिए। तो इसको आप अपने किसी भी फोन से इसको चार्ज कर सकते हैं, मैं आपको चार्ज करके फोन अपना इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास कोई अभी एक्स्ट्रा फोन नहीं है और फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आपको इसकी चार्जिंग के लिए जरूर दिखाऊंगा कोई और चीज चार्ज करके। तो फ्रेंड्स मैं आपको इससे एक स्पीकर, हैवी स्पीकर, ये आप देखा होगा आपने, मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है, एक हैवी स्पीकर आपको इससे चार्ज करके दिखाऊंगा। तो अगर ये चार्ज होता है तो फोन तो अपने आप ही चार्ज हो जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए चार्जर इसके साथ, ये देखिए सेम एज इट इज वो मैंने कर रखा था, और कोई इसमें ऐसे केबल नहीं लगा रखी, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी केबल, ठीक है। तो इसको हम चार्ज करेंगे, यहाँ लाइट आप देख रहे होंगे, लाइट जल गई है, ठीक है ना। हम एक और स्पीकर चार्ज करके देखते हैं इससे, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये चार्ज करेगा फोन, और इससे आप चार्ज कर सकते हैं अपना फोन, ठीक है। तो और हाँ, इसमें थोड़ा सा मेरे को आपको यही बताना है कि अगर आपको ये भी इसमें जोड़ना हो तो सिंपली वही आपको वायर कट करके रेड और ब्लैक इसके साथ ही आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, खोलकर इस टेप को इसी के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो आपका क्या करेगा, ये फोन तो चार्ज करेगा ही करेगा, प्लस आप इन पॉइंट्स को भी यूज करके दूसरे फोन्स भी चार्ज कर सकते हैं, फोन्स या कोई भी अपना गैजेट्स होता है, क्योंकि गैजेट्स में ये जो चाइनीज गैजेट्स आते हैं उनमें ये चीज काम आती है, यही वाले चार्जर जो है। तो थैंक यू फ्रेंड्स आपका मेरी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके की मैं आगे भी इनोवेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। और आप तो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।